भैया। हाँ? पता है आज क्या हुआ? क्या? मैं जहाँ से सामान खरीद रही थी वो दुकान वाले भैया मुझसे पैसे लेना ही भूल गए और सामान दे दिया। फिर क्या, मैंने मौके का फायदा उठाया और सामान लेकर निकल गई वहाँ से। अरे ये क्या किया तूने? अरे भैया जो किया वो अच्छा ही किया, ईमानदार रहती तो इतना सामान थोड़ी आता फ्री में। अरे लगता है किसी का पर्स गिर गया। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, कहीं ये किसी गलत हाथों में आ गया तो ठीक नहीं होगा। इसे मैं ले लेती हूँ, कोई पूछते पूछते यहाँ आ ही जाएगा, फिर उसे मैं ये दे दूंगी। अब दीदी जी। हाँ? वो आप मुझे कल पैसे देना भूल गए थे तो आज दे देते तो मुझे गुड़िया की स्कूल फीस जमा करानी है ना, इसलिए। पता नहीं मैंने इसे काम पर रखा ही क्यों, जब देखो तो पैसे ही मांगती रहती है। अब दीदी जी। हाँ जाते वक्त ले जाना। अरे ये तो सोने की अंगूठी है। मानना पड़ेगा सुमित्रा है ईमानदार। भैया। हाँ? मेरा पर्स कहीं मिल ही नहीं रहा है, लगता है किसी ने चुरा लिया। उसमें तकरीबन 10,000 रुपए थे। क्या? हाँ अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कहीं वो पैसे इनके तो नहीं? दीदी जी। हाँ? क्या ये पर्स आपका है? हाँ ये पर्स तो मेरा है, पर ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये पर्स मुझे घर के बाहर से मिला, मैंने ये सोचकर ले लिया कि इसे मैं इसके मालिक तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू सुमित्रा, आज तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान होते होते बचा। अब मैं चलती हूँ। अरे रुको, गुड़िया की स्कूल फीस जमा करानी है तो पैसे नहीं लेकर जाओगी? ये लो। अब हाँ शुक्रिया। अरे पर इसमें तो 3,000 रुपए ज्यादा हैं। हाँ पता है, पर ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। और भैया मैं अभी जाकर उन दुकान वाले भैया को सामान के पैसे देकर आती हूँ। जिस तरह सुमित्रा की ईमानदारी से मेरा नुकसान होते हुए बचा, उसी तरह मुझे भी उन दुकान वाले भैया का नुकसान नहीं करना, इसलिए मैं अभी जाऊंगी और उनके पैसे देकर आऊंगी। ये हुई ना बात।